हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड क्रेप। आज मैं आपको खट्टी मीठी ऐसी ही इमली की गाढ़ी चटनी, जिसको हम किसी भी चीज के साथ जैसे कि चाट पापड़ी, दही भल्ला, समोसे, पकौड़े और कचौरी के साथ खा सकते हैं की रेसिपी बताने जा रही हूँ। ये मैंने 200 ग्राम इमली ली है, जिसको मैंने आधा घंटा पहले भी होके रख लिया था ताकि इसकी जो है चटनी आराम से बन जाए। और इसके लिए मैंने 100 ग्राम गुड़ लिया है, 100 ग्राम मैंने चीनी ली है और ये मैंने 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर लिया है और ये 3/4 टीस्पून जो मैंने सॉल्ट लिया है। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंगली सॉल्ट कम और ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं चटनी बनाना। ये इमली जो मैंने भिगो के रखी थी, इसको मैंने फ्लेम पे रख दिया है। इसको थोड़ी देर हम हीट करेंगे। देखिए, हमारी इमली को 5 मिनट हो गए गर्म होते हुए, तो अब इसको हम ठंडा होने देंगे। देखिए, मीठी चटनी बनाने के लिए अब मैंने इसमें 300 ml की पीट वाटर डाल लिया और इसके अंदर हम वो अपना जो मैंने गुड़ लिया था ना, वो गुड़ को मैंने पीसेस में कन्वर्ट कर लिया। अब गुड़ को डालने जा रही हूँ। अब चीनी को डाल देंगे। इनको हम अब अच्छी तरह घोलने देंगे इसके अंदर। ये मेल्ट हो जाएंगे थोड़ी देर में। देखिए, जो हमने गुड़ और शुगर डाली थी पानी के अंदर, पूरी तरह डिजोल्व हो चुकी है। जो इमली हमने फ्लेम के ऊपर गर्म की थी, उसके अंदर से सीड्स मैंने सारे निकाल दिए और उसको हम छानने जा रहे हैं। ताकि इसके अंदर से जो रेशे वगैरह सारे लग हो जाए। देखिए, सारे रेशे हमारे अलग हो गए हैं। ये पल्प हमारा अलग हो गया है। पल्प लिया था वो, उसको हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे शुगर और वो जो गुड़ वाले पानी में। और इसके अंदर हम रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे, सॉल्ट डाल देंगे, इसके अंदर थोड़ा भुना जीरा डाल देंगे और इसको हम थोड़ी देर के लिए लो फ्लेम पे रखेंगे ताकि ये गाढ़ी हो जाए। चटनी को लो फ्लेम पे रखे हुए 15-20 मिनट हो चुके हैं। देखिए कितनी बढ़िया गाढ़ी चटनी बनके रेडी हो चुकी है हमारी। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। अगर आपको मेरी ये खट्टी मीठी चटनी बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो उसे आप मैक्सिमम लाइक और शेयर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। बाय।